शुक्रवार से मथुरा जिला मुख्यालय पर प्रशासन द्वारा बनाए गए 5 अलग अलग कक्षों में सभी 5 विधानसभाओं के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री और दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उनके लिए नामांकन प्रक्रिया आज तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो गई है। आज यानी 14 जनवरी 11 बजे से यहाँ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 से 3 बजे तक का नामांकन फॉर्म की बिक्री और दाखिल करने का समय आप देख रहे हैं। मथुरा जिला मजिस्ट्रेट जो कार्यालय परिसर है, यहीं पर 5 विधानसभाओं के अलग अलग कक्ष बनाए गए और यही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें आज नामांकन को लेकर, तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और आप देखेंगे ये सिविल लाइन के सामने यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ से वाहनों का जो प्रवेश है उसको बंद कर दिया गया है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। अब ये सभी जो वाहन है आ जाने वाले उन सबको राजीव भवन होकर निकाला जा रहा है और आप देखेंगे यहाँ पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट है, मुस्तैद है और किसी भी तरह के यहाँ जो बेवजह के लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, कोई विवाद नहीं, केवल यहाँ पुलिस है, प्रशासन है और मीडिया के लोग हैं। और आप देखेंगे कि ये प्रवेश द्वार है, यहीं से जो नामांकन के लिए प्रत्याशी आएंगे वो यहीं से प्रवेश करेंगे और कोरोना की गाइडलाइन और जो यहाँ के अधिकारियों ने तय किया है कि एक प्रत्याशी के साथ 2 लोग जाएंगे, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं, CCTV लगाए गए हैं, जगह जगह पर चेकिंग है और आप देखेंगे पुलिस बल है, पूरी चेक करके उनका ID देकर उन्हीं को प्रवेश किया जा रहा है। और यहाँ DFMD लगा हुआ है, मेटल डायरेक्टर लगे हुए हैं, तो किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। और खुद जिलाधिकारी आए हैं यहाँ और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, देखा किस तरह की व्यवस्था चल रही है। तो आइए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चल यहाँ मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सर आज नामांकन का पहला दिन है तो कैसे इंतजाम रहे, कैसी व्यवस्थाएँ हैं? देखिए आज नामांकन का पहला दिन है, 14 तारीख आज नोटिफिकेशन हुई है और 21 तारीख तक नामांकन यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में किए जाएंगे। जनपद मथुरा में 5 विधानसभाएं हैं तो 5 जो सभी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं SDMs जो हैं वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म्स देंगे और सबमिट भी 11 बजे से 3 बजे तक होगा। 24 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म्स की स्क्रूटनी होगी और 27 तारीख को विड्रॉल ऑफ फॉर्म्स होगा। तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, SPCT साहब, CEO साहिबान, सभी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हमारे डिप्टी DO जो ADM फाइनेंस है, सभी SDMs जो हैं वो अपने अपने जो चिन्हित नामांकन कक्ष हैं वहाँ पर मौजूद हैं, सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली गई हैं। तो जैसे जैसे कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फॉर्म्स लेते हैं या उसके बाद भरने की प्रक्रिया कराते हैं वो सकुशल पूरी कराई जाएगी, इस चीज़ के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कितने लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा प्रत्याशी के साथ? एक प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्तियों के कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत नए जो प्रावधान आए हैं, पहले प्रत्याशी के साथ 5 व्यक्तियों को जाने की परमिशन हुआ करती थी, अब प्रत्याशी के साथ एक समय पर नॉमिनेशन रूम में 2 व्यक्ति जाएंगे, तो इसी प्रावधानों के अनुसार एंट्रीज कराई जाएंगी। तो आपने सुना जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने पूरी व्यवस्था के बारे में बता दिया गया कि 5 विधानसभाओं के अलग अलग कक्षों में 11 से 3 बजे तक नामांकन फार्मों की बिक्री होगी और वहीं दाखिल किए जाएंगे। अभी तक तो कोई नामांकन आज दाखिल हुआ नहीं है, बाकी 3 बजे तक का समय है, देखते हैं कौन आता है। और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप देख रहे हैं अधिकारी बराबर यहाँ मूवमेंट हो रहा है और यहाँ के SPCT MP सिंह यहाँ खुद मौजूद हैं। आइए SPCT साहब से जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, कितनी पुलिस फोर्स लगाई है और कैसी व्यवस्था यहाँ जो 21 जनवरी तक रहेगी, तो उसके बारे में आइए उनसे जानते हैं। देखिए ये है जो यहाँ से जो भी व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले CK DFMD के अंदर से होकर निकलेगा और जो मुख्य द्वार है ये बंद रहेगा और यहीं से जो प्रत्याशी आएंगे उन सब की पुलिस की चेकिंग के बाद यहाँ अंदर जाएंगे। और देखिए शायद कुछ लोग जा रहे हैं अंदर नामांकन खरीदने के लिए, खुद यहाँ हमारे SPCT साहब MP सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी व्यवस्थाओं को यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है और चाक चौबंद व्यवस्था हम कह सकते हैं कलेक्ट्रेट परिसर में है। और आइए जानते हैं किस तरह का यहाँ खाका खींचा है पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का। सर बताएं क्या इंतजाम है यहाँ नामांकन के लिए? सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की जो बनाई गई है वो त्रिस्तरीय है। अंदर की सुरक्षा व्यवस्था CEO धर्मेंद्र चौहान के जिम्मे है और गेट के बाहर आउटर गार्डन की सुरक्षा की जिम्मेदारी CO City पे है। संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मैं खुद देख रहा हूँ। जो बाहर से लोग आ रहे हैं नामिनेशन के लिए या पर्चा लेने के लिए, उनके लिए हम लोग टैंक चौराहे से ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था लगा रखे हैं और इधर जवाहर बाग से प्रथम जो हमारी लाइन है वो टैंक चौराहा और जवाहर बाग हैं।
दूसरी लाइन हमारी है जो जहाँ बैरियर लगा हुआ है महिला थाना और इधर तहसील भवन के सामने, इन पे गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, वहाँ से लोगों को पैदल अलाउ किया जा रहा है कि पैदल आएँ। इस गेट पे जो सुरक्षा व्यवस्था लगी है ये यहाँ इंश्योर करेगी कि कौन किस आदमी को जाना है, कितने आदमी उनके साथ जाएंगे। जो नार्म आया है चुनाव आयोग का उसके हिसाब से एक आदमी, उनके साथ दो और प्रस्ताव जाएंगे तो उनको हम लोग यहाँ से सर्चिंग फ्रिस्किंग करके ही अंदर भेजेंगे, यहाँ से वो पैदल ही जाएंगे। तो ये महिला थाना से और तहसील भवन तक पूरा ये वाहनों का आवागमन भी बंद है? नहीं, वाहनों का आवागमन नहीं बंद किया हूँ, डाइवर्ट किया हूँ परिस्थिति को देखते हुए। अगर यहाँ प्रेशर बनता है तो हम लोग डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग टू व्हीलर को आने जाने दे रहे हैं। आम जन से जो है इस इलाके के रहने वाले हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे जिससे कि आपकी व्यवस्था बनी रहे, उन्हें भी परेशानी ना हो? आम जन से हमारी यही अपील है कि सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए हमारा सहयोग करें और हम उनके सहयोग में ही खड़े हैं। हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रहें और उनको कोई परेशानी ना हो, ये दृष्टि रखते हुए हम लोग आज ट्रैफिक को चला रहे हैं इस मेन रोड पे। जिस दिन अगर दबाव बनेगा उस दिन हम लोग देखेंगे कि क्या हम डाइवर्ट कर सकते हैं। अंदर कलेक्टर परिसर में किन लोगों को जाने की अनुमति है? अंदर कलेक्ट्रेट परिसर के कर्मचारी जो अपना पास दिखा रहे हैं वो जा रहे हैं, और जो जिनको नामांकन करना है या पर्चे खरीदने हैं वो जा रहे हैं। बाकी अन्य लोगों का नॉर्मल डे के हिसाब से प्रतिबंधित किया गया है। इधर सिविलियन के जो अधिवक्ता है उनके भी चैम्बर से, तो उनको लेकर कैसे व्यवस्था की गई जिससे कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो? बैरिकेटिंग कराई गई और अधिवक्ताओं का उधर से जो गेट है उससे वो आ जा रहे हैं, उनसे कोई हम लोगों ने रोक टोक नहीं, हम लोग अपने परिसर को बैरिकेट करके सुरक्षित कर लिए हैं। देखा आपने मातंड प्रकाश सिंह जी, एमपी सिंह यहाँ के एसपी सिटी, उन्होंने पूरे सुरक्षा का किस तरह से खाका खींचा उसके बारे में पूरी जानकारी दी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक की हो या अंदर जो नामांकन के लिए जा रहे प्रत्याशी उनको लेकर हो, या यहाँ के सिविलियन है अंदर कोर्ट जो है वहाँ जो अधिवक्ता है उनको भी कोई परेशानी ना हो तो उनके लिए भी बैरिकेडिंग लगाई है। और आपको मैं दिखाऊँ कि यहाँ से सीधा जब अंदर जाएंगे तो बैरियर लगे हुए हैं, हर एक जगह पर चेकिंग पॉइंट है, और उनके जो अगर जब जा रहे हैं प्रत्याशी पर्चा खरीदने के लिए तो उनका आईडी कार्ड देखा जाता है उसके बाद, और ये बैरियर है, उसके बाद फिर आगे और बैरियर है, बैरिकेडिंग लगी हुई है कि जिससे कि इधर और भी जो लोग हैं अधिवक्ता वगैरह हैं कोई बीच में ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जिससे कि कोई व्यवस्था में व्यवधान आए। तो कुल मिलाकर आज पहला दिन नामांकन का है और जिस तरह से व्यवस्था देखी जा रही है तो प्रशासन ने पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, खुद अधिकारी मूवमेंट कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नामांकन जो 14 जनवरी से लेकर और 21 जनवरी तक जो नामांकन की प्रक्रिया चलेगी उस दौरान मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।